ये मेरे ठीक पीछे अंसारी साफिया गर्ल हाई स्कूल है और मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा कि उनका वो बैनर दिखाएं। और मेरे ठीक पीछे यहाँ उर्दू में ऐसा लिखा हुआ है, एक किस्म का मजाहिया है ये, कि यहाँ स्कूल के बाहर या रोड पर गाड़ी ना लगाएं। तो आने वाले पेरेंट्स गाड़ी कहाँ लगाएं, मैनेजमेंट ये बता नहीं पा रहा है। बहरहाल न्यूज़ बनाने का कारण भिवंडी शहर के लोगों को पता चल चुका है। आज सवेरे 10:21 पर एक लड़की ने यहाँ के 5वें माले से कूदकर आत्महत्या कर ली। हमने उसके परिवार से भी मिलने की कोशिश की, उनके जो वालिद है शेख, उन्होंने बताया कि मेरी बच्ची को कोई टेंशन नहीं था और मैं खुद उस स्कूल में पहले काम कर चुका हूँ या कर रहा हूँ, वो उन्होंने साफ नहीं बताया। मगर जब बच्ची को कोई टेंशन नहीं था तो बच्ची ने आत्महत्या क्यों किया 5वें माले से कूद कर, ये सवाल बना हुआ है। आज भिवंडी शहर के नायगांव इलाके में अंसारी साफिया गर्ल्स हाई स्कूल में घटना घटी है। एक बच्ची ऊपर से नीचे कूद गई, उसके बारे में आपका क्या कहना है और आप अपना नाम और आप किस पार्टी में काम करते हैं वो भी बताइए। ठीक है, मैं अल्पसंख्यक महिला शहर अध्यक्ष परवीन फारूक कनूल भी अल्पसंख्यक से महिला शहर अध्यक्ष का मेरा पद है और मैं शिवसेना पार्टी से हूँ और मैं जो भी आज तक यहाँ पर काम कर रही हूँ, आज तक मैं जो भी काम की तो महिलाओं के लिए की, छोटे बच्चों लोग के लिए की, जेंट्स के लिए, जिसके लिए भी, मुझे बस मेरे इतना ही काम है कि इंसाफ मिलना चाहिए। आज जो घटना हुई उसके बारे में क्या कहेंगे? आज ये छोटी बच्ची जो है 15 साल की है और इसका नाम मुबशिरा शेख है, ये साफिया स्कूल में पढ़ती है। आज उसकी इम्तिहान थी और जब वो इम्तिहान दे रही थी तो हम लोग ने बस स्कूल में पता चला कि एग्ज़ाम देते हुए वो रो रही थी। रोने के बाद में वो बाहर निकली और उसके बाद में वो 3रे या 4थे माले पे कुछ फ्लोर पे जाके उसने वहाँ से सुसाइड किया, ऐसे हमको वहाँ पर स्कूल में पता चला। तो मैं कहना चाहती, मैं जब यहाँ पर बच्ची के घर आई, उनके घर वालों से और उनके आसपास के लोगों से मैंने थोड़ी बातचीत की, तो उसके बाद उन लोग बोले क्या, नहीं मैम, बोले स्कूल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्कूल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर का प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर बच्ची ने सुसाइड क्यों की? बच्ची के साथ में ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह बताओ। क्योंकि बच्ची घर में नहीं थी, बच्ची स्कूल में थी और स्कूल में पूरा स्टाफ क्या कर रहा था जब बच्ची रो रही थी उस टाइम पे ऑब्जर्वेशन में, किसके ऑब्जर्वेशन में वो बच्ची थी? और जब रो रही तो उसको पेपर लिखने तक नहीं आएगा, तो वहाँ के टीचर जो थे, मैम थे, तो उन लोगों ने उसको क्यों नहीं पूछा क्या बेटा आप क्यों रो रही हो, क्या वजह है? आपने उसको पेपर लिखने दिया? जब उसका पेपर लिख के हो रहा है, वो बाहर आ रही है, तब भी टीचर लोग का काम होता है कि भाई आप क्या प्रॉब्लम है, कुछ इशू है, आपको पेपर लिखने नहीं आ रहा या एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की है, ये स्कूल के टीचर लोग ने पूछना चाहिए था। तो मैं चाहती कि ये बच्ची को पूरा इंसाफ मिले और वो जो भी है, मतलब जो वजह से उसने सुसाइड की, वहाँ तक मैं चाहती हूँ कि मुझे सब लोग साथ दें और मैं ये बच्ची के हक़ के लिए लड़ना चाहूँगी। और मैं चाहती कि आज ये बच्ची ने सुसाइड की, कल हमारे भिवंडी के बहुत सारे बच्चियां हैं जो आज 10th की 9th की 12th की एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कल दूसरे भी बच्चे कर सकते हैं ये सब, और ये हादसा फिर चलते ही रहेगा। तो इसलिए मैं चाहती कि आज भिवंडी शहर में ये ऐसा हादसा ना हो और किसी की भी बच्ची, आज ये जो बच्ची का हादसा हुआ है, आज किसी की बच्ची यहाँ से गई है दुनिया से, तो उनके माँ बाप पे क्या तकलीफ क्या बीत रही होंगी वो उनके माँ बाप को ही पता है। लेकिन मैं चाहती क्या अगर ये दूसरे के भी बच्चे हैं, दूसरे की भी लड़कियाँ हैं, अगर उनके भी बच्चों के साथ में ये सब हो सकता, तो मैं चाहती क्या ये भिवंडी में कोई भी बच्ची के साथ किधर भी कोई भी स्कूल में यह हादसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आज मैंने ये आवाज़ भिवंडी से उठाई हूँ। ये फातिमा नगर नायगांव 2 का हिस्सा है इस वक्त जहाँ मैं हूँ, और ये परवीन कनोल जो शिवसेना पार्टी में अल्पसंख्यक सेल की महिला अध्यक्ष हैं, वो जो बातें यहाँ जो घटना थी वो बता रही थी। हम जब पत्रकारों की जब पूरी टीम यहाँ पहुँची थी, यहाँ एक एम्बुलेंस MA-05 थी और उसी में साइन से जो मुबशरा नाम की लड़की जिसने आज अंसारी साफिया गर्ल्स हाई स्कूल में 5वें माले से कूदकर खुदकशी की, वो बॉडी उसी गाड़ी में आई थी। हमने इनके वालिद से भी बात करने की कोशिश की तो वालिद का ऐसा कहना था कि स्कूल तो अच्छा है,
क्योंकि मैं 7 साल से वहाँ काम कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात तो नहीं है। हालांकि वो उस बात को छुपा गए कि वहाँ से 2 लड़कियों को जो गाड़ी में डालकर किडनैप किया गया था, उसका जवाब उनके पास नहीं था। और यहाँ वो बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, घर में भी कोई टेंशन नहीं है। तो जब घर में टेंशन नहीं तो स्कूल में टेंशन नहीं, तो इस लड़की ने आत्महत्या क्यों की, ये सवाल अभी बाकी है। रहा सवाल अंसारी साफिया स्कूल का जो जिम्मेदार पैनल है वो कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं है, और जब एक्सीडेंटल बॉडी इस तरह से एम्बुलेंस में आती है तो लोकल पुलिस, जो लोकल एरिया पुलिस स्टेशन होता है, तो वहाँ से पुलिस का जिम्मेदार भी आता है, उसमें से भी अभी तक किसी का पता नहीं है। बहरहाल घटना घटी है, लड़की ने आत्महत्या की है या उसे उठाकर फेंका गया है, ये सवाल बाकी है। लड़की क्लासरूम में 10वीं का पेपर देते वक्त क्यों आज रो रही थी, आज 21 अगस्त 2019 है तो क्यों रो रही थी, तो उस वक्त जो टीचर वहाँ रही होगी उसने क्यों नहीं पूछा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरह से कई सवाल कहीं ना कहीं बाकी है। भारत शक्ति समाचार के लिए मैं खान फकरे आलम।